तुमने अभी तक मेरे बाजू की ताकत देखी कहाँ है? इस घोड़े के सामने तुम्हारा बाजू का ताकत बेकार है। ला बैग मुझे दे। ये क्या हो रहा है? अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है, सुबह से आप लोग काम पे लगे हुए हैं। भाई साहब आप फिक्र मत कीजिए, सारा काम वक्त पर हो जाएगा। अरे जल्दी करो जल्दी करो। संभल के हल्दीराम, शगुन के लड्डू हैं, कहीं गिर न जाए। बादल क्या हुआ बेटे? बादल मैं मेरी छोड़ दे, मेरी माँ को जबर मेरी माँ को कुछ मत करना, छोड़, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, छोड़, छोड़ मेरी माँ को, छोड़, इसे मार दूँगा मैं। हथियार चलाना तुम्हें कैसे आया? वो माँ जी की जान खतरे में थी इसलिए। कौन हो तुम? आप तो जानते हैं मुझे। मैं वो जानना चाहता हूँ जो तुमने मुझे बताया नहीं। आप ऐसे ही मुझ पे शक कर रहे हैं। ये रुपयों से भरा बैग और खून से लथपथ लाशें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि तुम भोले भाले इंसान नहीं हो बल्कि एक मुजरिम हो, मुजरिम, और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मांगेराम। जी साहब जी। जब तक मैं वापस ना आऊं इस पर कड़ी नजर रखना। जी सर। और कोई भी अंदर ना जाए। जी सर। कुछ लाशें भी गिरी हैं, तुम पुलिस और एम्बुलेंस लेकर फौरन यहां पहुंचो, बाकी मैं बाद में बताता हूं। नहीं माँ जी, हट जा मांगे। अगर मेरी दाढ़ी मुझे होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। नहीं, तू मुजरिम नहीं हो सकता। एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। बोल मेरे बच्चे, बोल बेटे, कौन है तू? मैंने वही किया जो एक माँ को अपने बेटे के लिए करना चाहिए। वो मुजरिम है, आतंकवादी, आतंकवादी है वो। हाँ हाँ वो आतंकवादी है,
जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे पर भी लिखा होता आतंकवादी। माथी मेरी जिस पे तेरे भाई ने हथियार रखा था, माथी मेरी मां। आतंकवादी, कानून की नजरों में एक आतंकवादी बहुत बड़ा मुजरिम होता है और उसी कानून की नजरों में उसे पनाह देने वाला उससे भी बड़ा मुजरिम होता है। अब आप मुझे ये बताइए एसीपी साहब कि कानून को आप जैसे मुजरिम के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए? डीआईजी साहब, मेरे बयान का एक एक लफ्ज गीता और रामायण की तरह पवित्र और सच है और सच के सिवा कुछ नहीं है। अगर यह बात सच है तो मुझे आपके साथ साथ आपकी बीवी भी सलाखों के पीछे नजर आ रही है। एसीपी साहब, मैं आपको बचा लूंगा अगर आप मुझे सच सच बता दें कि आपके खानदान ने कितने पैसे में बेचा अपने ईमान को। डीआईजी साहब, हमारा खानदान पैसों से नहीं बिकता बल्कि प्यार से बिक जाता है। मेरी पत्नी को पूरा यकीन है यह बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। 1984 में पंजाब के गांव खेमकरण में एक पुलिस वाले ने उसके मां बाप और बहन को तमाम गांव वालों के साथ जिंदा जला दिया था और वो लड़का भटक कर आतंकवादी बन गया। वो सुंदरनगर मासूमों की जान लेने के लिए नहीं आया है, उसे तलाश है तो सिर्फ उस पुलिस वाले की। ओह, आई सी। अब आपका क्या इरादा है? आप उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करेंगे या उस आतंकवादी को? उस पुलिस वाले को तो सजा भगवान देगा लेकिन इस आतंकवादी को सजा मैं दूंगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे पर नाकाबंदी कर दो, वो आतंकवादी किसी भी सूरत में भागने ना पाए, समझे? बादल को देखते ही उसे गोली मार दो, शूट एट साइट। मार डालोगे उसे? पुलिस वाले हो ना, मार डालो। उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया है सिमरन, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद इस दिल में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। बादल भैया की शादी रानी से नहीं होगी दीदी। बादल? बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना? देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। मैं सुंदरनगर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है जिसने मुझे आतंकवादी बनाया।
इससे पहले कि पुलिस मुझे अपनी गोलियां का निशाना बना ले, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा प्यार, सब कुछ मेरी मौत के साथ खामोश हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और मैं कुछ नहीं। फिर हम लोग क्यों मिले? क्यों साथ में सपने देखे? Why? ये एक युद्ध की शुरुआत है। मेरी जिंदगी की उम्र किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। मेरा साथ तुम्हारा कल नहीं, मेरा अंत मेरे सामने है। मुझसे दूर रहो। रास्ते से, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। गोली चलाओगे मुझ पे? चलाओ गोली, कम ऑन, शूट मी। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा हो। जज्बातों की जंजीरें मेरे पैर पे मत डालिए एसीपी साहब, आज भी मेरी आंखों के सामने चिताएं चल रही हैं। जब तक मैं उस कमीने को आग में झोंक ना दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी साहिब सिंह जी, वो एसीपी साहब केदारनाथ जी के यहाँ आए हुए ना? जी मालूम नहीं, पर वो यहाँ से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे। जी वहाँ पे डीआईजी साहब ठहरे हुए ना? जी साहब। की गोद में सुला देना चाहता था ना? तो देख, तू खुद मौत के मुंह में खड़ा है। जानना चाहता मैं जिंदा कैसे हूं? क्योंकि मैं अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझता हूं। तू उस दिन भी बहुत बेबस था जिस दिन मैंने तेरे खानदान को जिंदा जला दिया था, और आज भी बहुत बेबस है। मार्गोली, मार्गोली, मार्गोली!